गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास फोर्थ साइंस बुक। योर फर्स्ट चैप्टर इज प्लांट फूड प्रोड्यूसर, मींस प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानों को, मैंने अभी बताया ना, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। दे नीड फूड फॉर एनर्जी, उन्हें एनर्जी के लिए, या फिर लिविंग जितने थिंग्स होते हैं उनको अलाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एनिमल्स से या फिर प्लांट से अपना फूड गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। बट जो और एनिमल्स कहाँ से ले लेते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्लांट से या फिर अपने जो छोटे से इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको खाकर वो क्या करते हैं, अपने फूड उनको मिल जाता है। बट हाँ, प्लांट्स जो होते हैं उनको भी तो, वो भी लिविंग थिंग होते हैं, उनको भी तो फूड की नीड होती है, राइट। तो वो फूड कहाँ से उनको मिलता है, हम आज ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द अर्थ। प्लांट्स क्या होते हैं, पूरे अर्थ पे हर जगह पर पाए जाते हैं। इंडिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कहीं भी हो, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑल ओवर द अर्थ हर जगह पर वो पाए जाते हैं। दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, हमारे हरे हरे फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि दोस्त होते हैं। फ्रेंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमें प्लांट से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, वो हमें फूड्स भी देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमारे ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं, और हमारे एनवायरमेंट जो होता है उसको भी साफ रखते हैं, और जो बारिश होती है, रेन, उसका उसको भी प्लांट्स ही कराते हैं, ठीक है। सो दे अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीव्स, वो ग्रीन दिखते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, राइट। दे provide us with many things like food, wood, oil, perfumes, medicines, cotton, etc. वो हमें क्या देते हैं, वो हमें देते हैं बहुत सारी चीज़ें, just like food, wood, wood means लकड़ी, oil means तेल, perfume means perfume जो खुशबुएँ हम लगाते हैं, राइट, उनके फ्लावर्स से बनती हैं, एंड मेडिसिंस, हमें बहुत सारी मेडिसिंस भी मिलती हैं, और कॉटन भी हमें प्लांट से ही मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एक्सेट्रा मीन्स इत्यादि, ठीक है। ग्रीन लीव्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो मेन ऑर्गन्स होती हैं, जैसे हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, लीफ होती है, ठीक है। लीफ से ही वो क्या करते हैं, अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड फूड मेकिंग फैक्ट्रीज, ये क्या कहलाती हैं, लीव जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, फूड मेकिंग फैक्ट्रीज कहलाती हैं, क्योंकि इनकी ही हेल्प से प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लीव, अलग अलग प्लांट्स के पास अलग अलग टाइप की लीव होती हैं। बाई लुकिंग एट अ लीव वी कैन डिफाइन द प्लांट इजिली, हम लीव को देखकर बता सकते हैं कि कौन किस प्लांट की ये है, जैसे कि ये लीव जो है ये किसकी है, पीपल की है, ये वाली जो काटेदार होती है ऐसे ऐसे करके डिजाइन, ये किसकी होती है, रोज की होती है। मैंगो की लीव थोड़ी सी लंबी होती है और हल्की सी टेढ़ी सी होती है, तो वो मैंगो की होती है। ये लीव किसकी है, नीम की है। ऐसे ही क्या है, आपकी ये सारी लीव्स हैं, ठीक है, जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि लीफ किस पेड़ की है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, पार्ट्स ऑफ लीफ,
ठीक है। पार्ट्स ऑफ लीफ में क्या आता है कि मेन पार्ट्स जो लीफ के होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो द मेन पार्ट ऑफ लीफ आर फॉलोइंग, यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? बेस। बेस मेन पार्ट कौन सा होता है लीफ का? बेस होता है। बेस क्या है? ये आपका बेस है, राइट। इट इज द पॉइंट एट विच लीफ इज ज्वाइंट टू द स्टेम। ये वो पार्ट होता है जिससे लीफ क्या होती है, एक दूसरे से ज्वाइन होती है। वो क्या होता है? आपका बेस होता है, ठीक है। देन क्या है? लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड जो होते हैं, इट इज अ ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ। ये क्या होता है? एक सबसे बड़ा जो पार्ट होता है लीफ का, ठीक है, ये वो होता है। और ये क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस अक्रॉस इन द लीफ ब्लेड। जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो किस पर होता है? ब्लेड पर ही होता है। ब्लेड ऑफ द लीफ इज आल्सो कॉल्ड लैमिना। इसकी जो ब्लेड होती है उसको हम क्या कहते हैं? लैमिना भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट कौन सा होता है? स्टाल्क और पैटल। स्टाल और पैटल किसको कहते हैं? डंठल को कहते हैं। इट इज द टाइनी सेक्शन ज्वाइंट द बेस टू द लेमिना। ये ऐसा एक छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा सा सेक्शन होता है जो क्या करता है? लैमिना को एक दूसरे से ज्वाइन करता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या किया हुआ है इसने, लैमिना को उसको ज्वाइन कर रखा है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ पर आते हैं? नेक्स्ट मिड वेन। मिड मीन्स क्या होता है? मिडिल। वेन मीन्स क्या होती है? नस, ठीक है। मिडिल वाली नस कौन सी होती है? ये होती है ना मोटी मोटी सी, इसको मिडिल नस बोलते हैं, मिडिल वेन। इन द प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द लीफ एंड इट थिक। ये क्या होती है? ये मोटी होती है और ये मिडिल में होती है। मिडिल यानी कि बीच में होती है लीफ के, ठीक है। सब वेन, सब मीन्स क्या होता है? जो उसकी आसपास होती हैं उनको सब बोलते हैं, सब वेन्स। मेनी टाइनी सब वेन्स ब्रिंग वाटर टू द लीफ एंड कैरी द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो सब वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्रिंग्स वाटर, पानी लाती हैं। जो छोटी छोटी सी होती हैं उनको सब वेन्स बोलते हैं। जो जो बड़ी सी होती है, मिडिल बीच में होती है, वो मिडिल वेन होती है। और जो साइड साइड में होती है वो क्या होती है? सब वेन्स होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है? ब्रिंग्स वाटर, वो पानी लाती है। और उसके बाद जब खाना बन जाता है, जब खाना बन जाता है वो उसको क्या करती है? डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के वो खाना पहुंचाती है, ठीक है। ये इसका वर्क होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ मीन्स लीफ कैसे, लीफ का स्ट्रक्चर यानी कि कैसे वो बनी होती है, उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। द अंडर सरफेस ऑफ अ लीफ हैज मेनी टाइनी पोर, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीफ होती है उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे सरफेस होते हैं। लीफ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से सरफेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका दिखाया गया है, ये आपके क्या है? छोटे छोटे से सरफेस हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू आउट द स्टोमेटा। प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, वो थ्रू आउट किसके द्वारा करते हैं? स्टोमेटास के द्वारा करते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे मेक लेस देन 1% ऑफ द लीफ सरफेस। वो क्या करते हैं? वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और लीफ में जो है, लीफ के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है? फंक्शन ऑफ ए लीफ, ठीक। फंक्शन ऑफ ए लीफ, आपके लीफ के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका अपर लेयर भी दी गई, लीफ की अपर लेयर ऐसी होती है, या आपके लीफ की लोअर लेयर है, लोअर लेयर ऐसी होती है, और बीच में क्या होते हैं? स्टोमेटास होते हैं, जिसके थ्रू क्या करती है
लीफ जो है ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। क्लियर हो रहा है ना आपको? ये एक स्ट्रक्चर होता है आपके लीफ के अंदर का। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ लीफ। वन लीफ के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? अ लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। एक लीफ के लीफ जो होता है वो ऐसे जो फंक्शंस करती है वो ये हैं। इट मेक फूड फॉर द प्लांट्स। ये क्या करती है? प्लांट्स के लिए फूड बनाती है। ठीक है, फिर क्या करती है? इट हेल्प अ प्लांट टू ब्रीथ थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द सरफेस। ये क्या करती है? सरफेस के थ्रू क्या करती है? ब्रीथिंग, सांस लेने में क्या करती है? हेल्प करती है प्लांट्स को। ठीक है, सम प्लांट्स लाइक मिंट, स्पिंच एंड कैबेज हैव लीव दैट कैन बी ईटन एज फूड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मिंट, यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं उसको, मिंट होती है, पिपरमिंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और पुदीना। ठीक है, ऐसी जो होती है स्प्रिंच, स्प्रिंच में धनिया जो आपकी होती है, और आपकी क्या कहते हैं धनिया होती है, और आपकी तुलसी की पत्ती होती है, और कैबेज जो होती है कैबेज की पत्तियां होती हैं। ठीक है, और पालक, स्प्रिंच में पालक होती है, जो पालक की जो पत्तियां होती हैं उनको हम क्या करते हैं? एज अ फूड खाते हैं। ठीक है, सम लीव्स हैव मेडिसिन वैल्यूज टू फॉर एग्जाम्पल तुलसी, मिंट एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसी होती हैं लीव्स जो क्या करती हैं? एज अ मेडिसिन हम यूज करते हैं। जैसे कि हमको पता है ना कि तुलसी हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, और पेपरमिंट की जो पत्तियां होती हैं उनको भी हम क्या करते हैं? एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, सबको पता है ना कि इस टाइम कोरोना है, तो हम तुलसी की जो पत्तियां हैं उनको भी खा सकते हैं, उनका काढ़ा भी पी सकते हैं, या फिर जब भी हमको कोल्ड होता है तो हम तुलसी की पत्तियां यूज़ करते हैं। तो ये क्या होती है? एज अ मेडिसिन होती है जो यूज़ की जाती है। फिर क्या होता है आपका नेक्स्ट है फोटोस्टफीज। फोटोस्टफीज क्या होता है? ये एक ऐसी क्रिया होती है जिससे जिसके थ्रू हम बता मतलब जिस क्रिया के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोस्टफीज। ठीक है, द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोस्टफीज। जो प्रोसेस यानी कि जो क्रिया होती है हरी पत्तियों में, खाना बनाने की जो क्रिया होती है हरी पत्तियों में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल जो होता है, और सनलाइट के हेल्प से जो खाना बनाते हैं पौधे, उसको हम कहते हैं फोटोस्टफीज। ठीक है, फोटो मील्स सनलाइट एंड सिंथेसिस मील्स पुटिंग टुगेदर। जो फोटोज क्या होते हैं वो क्या करते हैं? वो मील मतलब खाना बनाते हैं कहाँ? सनलाइट में, सनलाइट की हेल्प से, और पुटिंग टुगेदर, और वो उसको क्या करते हैं? साथ में रखते हैं। क्लोरोफिल जो होता है इन अ ग्रीन पिगमेंट दैट मेक द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल बाई गिविंग ग्रीन कलर टू द लीव। क्लोरोफिल क्या होता है? एक टाइप का एक पिगमेंट होता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो एनर्जी देता है पौधों को। ठीक है, और वो क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर कर देता है किसमें? ग्रीन लीव्स में। और इसी ये क्लोरोफिल की ही वजह से जो लीव्स आपकी होती हैं प्लांट्स के, वो प्लांट्स की लीव इसी की वजह से क्या होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, तो फिर कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ठीक है, कहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। ठीक है, उसका फॉर्मूला H2O होता है। और फिर क्या होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, इन दो, इन सब को क्या करते हैं? मिला करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन सब को मिला करके क्या बनता है? फूड बनता है किसका? प्लांट्स का। ठीक है, इन जब ये सारी चीजें मिलती हैं आपस में तो क्या बनता है? फूड बनता है किसका? प्लांट्स का। ठीक है,
सनलाइट देखिए आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, वाटर जो हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन वो इनके अंदर क्लोरोफिल होती है, और ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। एक्सरसाइज फूड मेड बाय लीव इन शॉर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेच। तो इस प्रोसेस से क्या होता है आपके लीफ जो है फूड बनाते हैं प्लांट्स का, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है फन एंड लर्न, ये आपको प्रैक्टिस करना है, घर पे आप चाहो तो आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे टेक अ लीफ, एक पत्ती लीजिए फ्रॉम अ प्लांट, एक प्लांट से एक पत्ती लीजिए विच हैज बीन एक्सपेंडेड टू सनलाइट फॉर सम आवर्स, जो कुछ देर पहले सूरज में हो, ठीक है, सनलाइट में हो रखी हो। कीप द लीव फर्स्ट इन बॉइलिंग वाटर, सबसे पहले क्या करिए एक खौलते हुए पानी में उस लीव को रख दीजिए, एंड देन इट हॉट अक्लॉर द सम टाइम, आप उसको क्या कीजिए कुछ देर के लिए और गर्माइए, हॉट करिए, द ग्रीन मैटर क्लोरोफिल, जो ग्रीन चीज होती है मैंने अभी बताया ना पौधों में जो पत्तियों में ग्रीन चीज होती है वो क्लोरोफिल होती है, तो क्या होगा जो क्लोरोफिल जो ग्रीन मैटर होता है विल डिजर्व इन अक्रॉल, वो क्या होता है वो बर्तन में डिजर्व करने लगता है, डिजॉल्व करने लगता है, द लीव विल नाउ बी कलरलेस। अब क्या हुआ आपकी जो लीफ होती है वो क्या होती है वो कलरलेस हो जाती है, क्योंकि डिजोल्व हो जाता है कौन सा क्लोरोफिल जो है अपने आप धीरे धीरे डिजोल्व मीन्स क्या होता है निकल जाता है, तो क्या होता है जो लीफ होती है वो कलरलेस हो जाती है। प्लांट प्लेस द कलरलेस लीफ इन द व्हाइट प्लेट, अब आप क्या कीजिए व्हाइट प्लेट में आपकी जो लीफ है उसको रखिए, प्लेस करिए, प्योर द फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीव, और फिर क्या करिए थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो अपने लीफ पर डालिए, प्योर पोर कीजिए, ठीक है। द लीव टर्न्स ब्लू ब्लैक, जो आपकी लीफ है या तो फिर वो क्या हो जाएगी ब्लैक हो जाएगी या फिर वो ब्लू हो जाएगी, दिस शोज दैट देयर इज स्टार्च इन द लीफ, इससे क्या पता चलता है कि लीफ में क्या होता है स्टार्च होता है, ठीक है। ये क्या है ये एक प्रैक्टिकल है जो आप अपने घर पे खुद से करके देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका क्या आता है क्लोरोफिल इन, बाकी आपके ये जो दिए गए हैं ये भी ये वाले जो आपके ऊपर दिए गए हैं ये भी आपके क्या हैं ये प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिकल्स को करके आप जो है देखेंगे अपने घर में। देन आपका क्या नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस, कैक्टस कौन से होते हैं पत्तियां, कैक्टस ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें कांटेदार पत्तियां होती हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है हम उसको आगे पढ़ते हैं। कैक्टस आर डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस जो होते हैं वो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल या फिर रेगिस्तानी जो होते हैं मतलब रेतीली जो जगह होती है या जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है, वहाँ के प्लांट्स होते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द सिक्योरिटी ऑफ वाटर दे स्टोर वाटर इज मलग्रीन सेल्स ऑफ द स्टेम्स, क्या होता है कि इनके जब पानी कम होता है इनको पानी कम मिलता है क्योंकि वो सूखी जगह पर रहते हैं, तो क्या होता है इनके कांटे जैसे निकल आते हैं, राइट, कांटे जैसे निकल आते हैं इनके स्टेम्स तनों में। टू चेक द लॉस ऑफ वाटर थ्रू आउट टेनिसफेक्शन दे लीव्स आर रिड्यूस द स्प्रिंग्स, तो टू चेक द लॉस थ्रू आउट द ट्रांसफरिंग, तो पानी को जो लॉस होता है यहाँ पर उसको ट्रांसफर करते हैं थ्रू आउट द लीव्स
लीव्स के थ्रू वो जो क्या करते हैं, पानी को ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो क्या हो जाती हैं, स्प्रिंग्स, जिससे उनका सारा पानी क्या हो जाता है, निचुड़ जाता है, ठीक है। कैक्टस डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स, कैक्टस के पास हरी पत्तियां नहीं होती हैं, दे हैव थिक एंड स्पंजी स्टेम्स दैट आर फ्लैट एंड ग्रीन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोस्टफिस। जो कैक्टस होते हैं उनके लिए ग्रीन नहीं होती हैं और वो क्या करते हैं, वो अपना फूड जो बनाते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं, जो उनके तने होते हैं, वो क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं, यानी कि गुदावरे होते हैं, और जो लीफ होती हैं वो क्या होती हैं, वो फ्लैट होती हैं और मोटी होती हैं, एंड इसी से उनका जो है खाने का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या करती है, वो प्रोसेस फोटोस्टफिस में स्टार्ट होती है, और उसी से वो क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं।